हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी ठीक हैं। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। और आज हो गई 31 तारीख, महीने का आखिरी दिन है और अभी अगस्त शुरू हो जाएगा कल से। और अभी सुबह का टाइम हुआ है, साफ सफाई के सारे काम निपट चुके हैं, नहा धो के भी मैं आ गई हूँ और अभी जा रही हूँ मंदिर भोले बाबा पे जल चढ़ाने। और आज तो हमारी गली में है ना बहुत भीड़ हो रखी है, क्योंकि गली बन रही है ना, तो वो बहुत सारे लेडीज जेंट्स इकट्ठे हो रखे हैं और मतलब आपस में बहसबाजी हो रही है सबकी। तो मम्मी उधर ही गई हुई है, मैं भी गई थी थोड़ी देर देखने के लिए, पर चलो अभी तो मैं जल चढ़ा के आती हूँ। लड़ाई बड़ाई में बीच में नहीं घुसना चाहिए, है ना। मेरे को तो पता नहीं, मजा नहीं आता। मैं तो थोड़ी सी देर देखती हूँ फिर बोर होने लग जाती हूँ, फिर मैं तो अंदर आ जाती हूँ। किसी की लड़ाई मेरे से पता नहीं, मेरे समझ में ही नहीं आती। जब लड़ाई होती है ना तो मेरे को बस क्या 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 ये सुनती है, ये समझ में नहीं आती कौन क्या बोल रहा है। तो मैं इसलिए सुनने की भी कोशिश नहीं किया करूँ। किसी के भी लड़ाई हो रही है मैं कोशिश नहीं किया करूँ, मेरे को पता है मेरे को समझ में तो आएगी नहीं, फालतू की कोशिश भी क्यों करनी। तो अपना काम से काम रखो भाई। तो मैं तो अभी जा रही हूँ मंदिर में, भगवान का भजन ही कराते हैं, है ना। लड़ाई के बीच में नहीं घुसना चाहिए। चलो मंदिर जाते हैं। बहुत ज्यादा गर्मी हो रखी है, अभी से इतने पसीने आ गए हैं, ये खुले बाल गिल्ले बाल बिल्कुल नहीं सवा रहे, पर क्या करें अभी बहुत ज्यादा गिल्ले हैं। तो बस एक बार जल चढ़ा आती हूँ, फिर आके बांध लूंगी इनको या पंखे के नीचे बैठ के, तब इनको सुखाऊंगी, तब थोड़ा सा आराम मिलेगा। और मंदिर से पूजा करके आ गई हूँ मैं। और रात ही सबसे पहले तो मैंने अपना सूट चेंज किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और एक तो बाल खुले थे और ऊपर से सूट पहन रखा था। तो अभी अपना लोअर टी शर्ट पहन लिया और बाल बांध लिए, क्योंकि किचन में काम करना था भाई। किचन में काम करते टाइम तो और भी ज़्यादा गर्मी लगती है। और नाश्ता बनाने लग गई हूँ मैं, और नाश्ते में आज बना रही हूँ दाल के पराठे, और साथ में मैंने है ना चाय भी बनाई है। बाहर जो हमारा मतलब रोड बन रहा ना, अभी तो बन नहीं रहा, अभी तो ईंटें उखाड़ रहे हैं, तो वो जो मजदूर लगे हुए हैं ना, तो उनने बोला था अभी 5 कप चाय बना देना, तो उनके लिए मैंने चाय बना दी है। मम्मी देने चली गई है और मैं लग गई हूँ अपने पराठे बनाने। और आज है ना मैं दाल के पराठे बना रही हूँ। शाम को मैंने दाल बनाई थी तो वो बच गई थी, तो उसके मैंने पराठे बना दिए मिक्सी में पीस के। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, जब भी कभी दाल बच जाती है ना तो उसके पराठे ही बनाती हूँ, क्योंकि पराठे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वैसे बासी दाल खाने से तो बढ़िया है ना, मेरे को पराठे अच्छे लगते हैं। तो बन गए हैं मेरे पराठे, आ जाओ आप सब भी खा लो दही के साथ चाय के साथ। शाम के 5:30 बज गए हैं और अभी बारिश आ गई है गुड़गांव में, और आज हमारी गाल की मैं इतने पाट रखी है ना सारी, तो सारा पानी आज हमारे घर के बाहर ही भरेगा। जैसी भी लग रही है आज, दिखाती हूँ बाहर चल के। गाड़ी खड़े दोनों साइड खड़ी हो जाए, फिर के रास्ता बचेगा। वहाँ बुरा दिन होगा भाई, तेज बारिश आ गई तो किचकड़ होगा जमा, इस भाई इतना बुरा हो रहा है। और अभी है ना शाम के 7 बज गए हैं, वैसे तो खाना बनाने का टाइम हो गया, पर बाहर है ना इतना बढ़िया मौसम हो रखा है, बारिश तो रुक गई है पर हवा इतनी ठंडी ठंडी तेज चल रही है, बहुत दिनों में मतलब ऐसा मौसम हुआ बहुत अच्छा। और गली में हमारी में चहल पहल भी हो रखी, क्योंकि अभी गली बनने वाली है ना, तो बाहर बैठने का मन कर रहा। मम्मी बोली जल्दी से बाहर मुड्ढे लिया, यहीं बैठेंगे, इतनी अच्छी हवा चल रही और मौसम भी इतना अच्छा हो रखा, और चहल पहल भी इधर ही है, अब अंदर जाने का मन नहीं करता। माँ चलो थोड़ी देर है ना बाहर बैठ जाते, फिर खाना बनाऊंगी, क्योंकि अभी तो मैं सब्जी भी नहीं लेके आई हूँ, दुकान से सब्जी लेके आऊँगी, आज थोड़ा लेट बन जाएगा, बाहर मौसम के नज़ारे ले लेते हैं। चलो अभी मैं है ना मुड्ढे ले जाती हूँ बाहर, मुड्ढों पर बैठेंगे, चेयर नहीं लेके जाती, मुड्ढे ले जाती हूँ। और मैं दोनों के मुड्ढे बाहर ले आई हूँ, मेरा भी मम्मी का भी। बस अभी बड़ा गेट खोल लूँगी, और बड़ा गेट खोल के और फिर हम बाहर बैठेंगे, बाहर के नज़ारे लेंगे। और मौसम तो ऐसा हो रखा है ना, बिल्कुल काला राम हो रखा है, अंधेरा हो रखा है। देख लो अभी 7 बजे, वैसे इतना अंधेरा नहीं होता अभी। पानी भर गया है, हमारी गाड़ हो गई है फुल्लम फुल, कितनी बारिश होने लग रही है। अंधेरे में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है वीडियो में, तो मस्त मौसम हो रहा है, एक नंबर का मौसम हो रखा है। हवा भी तेज चल रही है, ये देखो पानी पानी पूरी गली में, पानी सन्नाटा छा रहा है तेरा कैसा। इधर बैठे हम तो ये नायरा कांड का है, एक दिन का जन्म है नायरा का रिश्ता। बारिश के मजे ले रहे हो, कई देर हो पानी बरसते हो। कई देर हो गिर भी ना बरसता था, आधा घंटा तो हो जाए, बाहर जगह तो एक जैसा हो रहा है, जब तक तो दूसरा पार हो रहा था, ये लगे था तो एक बार आप देख रहे हैं, मैं कल न्यूज़ आ रही है,
अभी हम जाके बनाऊंगी क्योंकि लाइट चली गई है। लाइट पता नहीं अब कब तक आएगी हमारी। देखो कितना पानी भर गया है। मैं तो आ गई अंदर क्योंकि 8:15 बज गए, खाना बनाना है और मम्मी हॉस्पिटल में चली गई। और बारिश अब भी हो ही रही है, मतलब आधे घंटे से तो ऊपर हो गया होगा बारिश होते हुए और सही हो रही है। पानी बहुत हो गया गली गली, पूरी फुल्लम फुल गली हो गई। और अभी मैं सब्जी लेके ही नहीं आई दुकान से, तो इसीलिए आलू बड़ी की सब्जी बनाऊंगी। बड़ी घर पे ही रखी है, आलू घर पे ही रखे हैं और जल्दी भी बन जाएगी, तो अभी फटाफट सब्जी बना देती हूँ आलू बड़ी की। और ये देखो कितनी सारी जामुन आ गई। ये थैला है ना जामुनों का भरा है। आज सुमित है ना गोआने की साइड गए हुए थे, तो उनको कुछ काम था, तो मेरी बहन के है ना कई पेड़ हैं जामुन के, रिंडाना रहती हैं दो बहनें मेरी, तो दोनों के जामुन, एक के तो ख़त्म हो रखी थी एक के अभी थी, तो कई सारे पेड़ हैं। तो वो बोली, वो कहती रहती थी भाई जामुन ले जाओ जामुन ले जाओ। फिर कल सुमित गए ना, मेरे को ध्यान आ गया कि अभी तो जामुनों का मौसम रह रहा है तो मिल जाएंगी। तो मेरी बहन को मैंने बोला कि सुमित आए हुए हैं उनको तोड़ के दे दो जामुन जितनी देनी है। तो मेरी बहन ने एक थैला फुल भर के जामुन का दे दिया है, और सुबह ही तोड़ी थी, आज सुबह ही तोड़ी थी। पर वही है, लाते लाते जामुन जल्दी ख़राब हो जाती है ना, तो लाते लाते थोड़ी थोड़ी तो ये पिचकली गई थैले में भरी थी, पर मैंने अभी निकाल दी हैं। इसमें जो ये हमारी छलनी सी थी ना, इसमें निकाल दी हैं और ये पूरी फुल भर गई है जामुनों की। आ जाओ आप सब भी खा लो, बस अब इनको फ्रिज में रखूँगी। लो भाई कोथड़ी का सामान आ गया है, बुआ का कोथड़ी दे के आनी है। तो सुमित गांव की साइड जा रहे थे गुआने की साइड, तो उधर से ले आए हैं सारी चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर घेवर बढ़िया नहीं मिलता ना, तो उधर से ये घेवर आ गया है। और ये मटरी और ये छोटे समोसे हैं और ये बिस्किट और मेरी फेवरेट मातू की जलेबी। ये तो स्पेशल मैंने अपने लिए मंगाई है भाई, गुआना गए हैं तो मुखा बिना मातू की जलेबी ले आ मत जाना। मेरे को तो जलेबी इतनी पसंद है ना, बहुत ही ज़्यादा। आ जाओ आप सब ये मोटी मोटी मातू वाली जलेबी खा लो, इतनी टेस्टी लगती है ना, एकदम रस भरी। मैं तो अभी से आधी जलेबी तो देखो मैं खा भी गई, मेरे से रुका ही नहीं जाता, क्या करूँ। तो अभी देखते हैं एक दो दिन में, कल या परसों बुआ की कोथड़ी दे के आएंगे, तो उसका सामान ले आए हैं अभी से। खाना पीना हमारा हो गया, लेकिन अभी लेके आए हैं सुमित इतनी सारी चीजें, तो आधी तो मैं जलेबी खा गई हूँ भाई, मेरे से रुका ही नहीं गया, इतनी टेस्टी लगती है ना मेरे को। और अभी जामुनों का कटोरा भर लिया है दो के, तो बाहर बैठ के, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंडक हो रही है ना, इतनी बढ़िया बारिश हो रही है, हवा चल रही, तो और मैं और मम्मी है ना मतलब 7 बजे से ही बाहर बैठे हैं। तो अभी मैंने ये जामुन का कटोरा भर लिया बाहर बैठ के ही, ठंडे ठंडे मौसम में ये जामुन खाएंगे। और इस सीजन की हम पहली बार ये जामुन खा रहे हैं, अब की बार हमने जामुन खाए ही नहीं है। मेरी अभी सुबह सुबह का टाइम हुआ है, सुबह के 6 बज गए हैं और अब तक हमारी लाइट नहीं आई है। कल शाम को 7 बजे गई थी और अभी 6 बज गए हैं, देख लो पूरी रात हो गई, इतना परेशान कर रखा ना लाइट ने। एक तो कल बारिश हुई थी, जबरदस्त बारिश हुई थी भाई गुड़गांव में, बाहर क्या हालात भी दिखाती हूँ आपको कैसा। अभी तो पानी उतर गया गली का, लेकिन किचकड़ इतना हो रखा है ना बहुत ही ज़्यादा, और लाइट पूरी रात नहीं आई, नींद नहीं आई बिल्कुल, क्योंकि पंखे चल रहे थे धीरे धीरे, तो धीरे धीरे पंखों में कहाँ ऐसी नींद आई, मतलब आधी पद्धी सी, और जल्दी उठ ली मैं। तो चलो अभी आपको मैं बाहर क्या हालात दिखाती हूँ। कल तो गुड़गांव में मतलब फुल्लम फुल हर जगह पानी पानी, कई घंटों तक बारिश हुई है कल गुड़गांव में, तो बहुत ज़्यादा बारिश हो गई कल तो। ये देखो हमारी गली के हालात, कल यहाँ से ये यहाँ तक ईंटें उखाड़ दी थी, तो अभी यहाँ हमारे घर के बाहर तो पानी पानी भरा है और आगे पूरी गली में कीचड़ है। देखो आगे तो पूरी गली में, अभी जो जैसे आगे मंदिर है ना हमारी गली के आखिर में मंदिर है, तो सुबह सुबह जो मंदिर में जल चढ़ाने जाते हैं शिव जी पे, तो वो बेचारे दूसरी गली में से जा रहे हैं, क्योंकि इस गली में से तो जाने का रास्ता है ही नहीं, सारे पैर कीचड़ में भर जाएंगे। तो आज कोई नहीं आ रहा, हमारी गली बिल्कुल सुननी है देखो कोई नहीं आ जा रहा, तो ऐसी हालत हमारी गली की हो गई है। कली ईट उखाड़ी थी, कली जेसीबी लगी थी और कली बारिश आ गई, इसलिए ज़्यादा कीचड़ हो गया। एक दो दिन रुक नहीं आती ना बारिश, तो ये मिट्टी दब जाती, लेकिन कली आ गई तो इतना बुरा हाल हो गया ना गली का बहुत ही ज़्यादा, और हम भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए लाइट से चलो देखते हैं कब तक आएगी, अभी तक तो नहीं आई है। कितने घंटे, 11 घंटे हो गए लाइट को गई हुई, अभी 7 बज जाएंगे जल्दी, फिर 12 घंटे हो जाएंगे। इतनी लंबी लाइट तो मेरे ख्याल से मैंने तो कभी देखी नहीं गई होगी गुड़गांव में,
हाँ अभी 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे ऐसे गई है, लेकिन पूरी रात अभी तक नहीं आ रही है। और अभी कोई हालात भी नहीं दिखते भी आ जाएगी या नहीं आ जाएगी। मम्मी बार बार लाइट ऑफिस में कॉल कर रही थी रात को भी, कोई नहीं, नहीं फ़ोन मिल रहा ना कोई जवाब आ रहा है, ऐसा काम हो रखा था। और लाइट हमारी है ना 7:15 आई, देख लो पूरी रात मतलब 12 घंटे लाइट नहीं आई, और हमारी रात को नींद भी पूरी नहीं हुई। देखते हैं आज दिन में सोएंगे कुछ, थोड़ा बहुत सोया गया तो। चलो तो इस व्लॉग का भी यही एंड कर लेते हैं और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वीडियो देखते रहना और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और जो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।